बागपत जिले के एक प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 की मासूम बच्ची के साथ 15 दिन पूर्व हुई दुष्कर्म की वारदात के मामले थाना पुलिस की तरफ से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के मामले में आज बागपत के एसपी ने लापरवाही के मामले के चलते थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर करते विभागीय जांच बैठा दी है। फिलहाल मासूम बच्ची का जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है और एसपी बागपत ने पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए एक टीम गठित कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि मामला रमाला थाना इलाके का है, जहां ककरीपुर गांव में रहने वाले समीम की बेटी गांव के ही प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ती है, जिसके साथ स्कूल के ही टॉयलेट में एक छात्र ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी तो बता तो मैडम ने भी इस मसले को दबाना चाहा कि यहां पर ही मतलब इसको वो ना करो। फिर हम थाने गए तो वे जो दरोगा थे वे भी हम पर उल्टे कहने लगे कि नहीं अपना फैसला वैसला कर लो, कुछ नहीं होया। और कहने अब तुम अस्पताल में बच्ची भर्ती करवाई है, डॉक्टर क्या बोल रहे गलत काम हो रहा है? जी हाँ कह रहे हैं डॉक्टर। अच्छा हाँ कह रहे जी गलत काम हो रहा है बच्ची के साथ। अब क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी कार्रवाई है जी कि जो आज मेरी बच्ची के साथ हुआ है कल दूसरी बच्ची के साथ मत होए, मुझे इंसाफ चाहिए। कार्रवाई चाहते हो थाना पुलिस के खिलाफ? जी हाँ ठीक है ना जी। क्या चाहते हो जी? एसओ मामला दबाना चाह रहा था थाना पुलिस का। थाना फोन नंबर पर मेरी भाभी ने हमने सब ने मिलकर फोन किया था, उन्होंने जो वीडियो बनाया हमारे घर पे वो किसी को नहीं वायरल किया जी उन्होंने, और जो मेरी बच्ची को अलग बिठाकर थाना रामाला में जो दरोगा साहब है उन्होंने बनाया, तो वो सब मीडिया वालों के पास सभी के पास वही वीडियो भेजा जी। वो जो हमारा घर का वीडियो था वो नहीं भेजा, और जो स्कूल में जहाँ पे केस वो होया जी वहाँ पे दरोगा को पकड़ कर मेरी बच्ची लेके गई, उन्होंने सबने वीडियो बना ना वो वीडियो दिखा जी। हम 14-15 दिन से परेशान है जी, हमें पुलिस की तरफ से कोई भी वो नहीं होना जी। जो थाना पुलिस का एसओ है वो दबाव बना रखा तुम्हारे ऊपर? दबाव उसने हमें थाने में बोलने का मौका नहीं दिया, बोला कि मैडम का केस आपके ऊपर लगेगा, आपकी वाइफ भी आपके भैया भी आपकी भाभी भी सब अंदर करूँगा। बच्ची को आधा घंटा अंदर बैठाया हमारी बच्ची के मामले में कार्रवाई हुई क्या कार्रवाई? ये रमाला थाने में एक प्रकरण आया था जिसमें एक नाबालिग बच्ची की तरफ से उसके परिजनों ने एक तहरीर दी थी जिसमें 3 नाबालिग बच्चों के ऊपर ये आरोप लगाया गया, तो उसके पड़ोसी हैं कि उन्होंने उसके साथ गलत कार्य किया, उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और मुकदमा न लिखने समय से मुकदमा न लिखने की वजह से दंडात्मक कार्रवाई थानाध्यक्ष के ऊपर की गई है, उनको रिवर्ट किया गया, अभी प्रत्यावर्तित कर लिया गया है, उनकी जांच करवाई जाए, अगर उसमें कुछ और निकल के आता है तो और भी आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी।